डाउन होगी मशीन, अप होगी, ये दे रखा बीच में मशीन को एक लेवल पे करने, ये राइट इधर लेफ्ट डाउन करने, ये मशीन की रेस है। कैसा ही किला हो जी, कैसे धान पड़े हो चाहे खड़े हो, फिर धान गिरा हो अच्छा धरती का चटा हो, धान निकाले बिल्कुल हाथ की कटाई जैसे। जो सबसे फेमस मॉडल, सबसे फेमस इंडिया में मोस्ट सेलिंग मोस्ट डिमांड इसी मॉडल की है। अच्छा, इसमें पीछे दे रखा है ये SMS का ऑप्शन जी, अगर किसी किसान साथी को साबत पराल चाहिए तो साबत पराल कर सकता है, अगर आप किसी को छोटे करवानी है पराल तो बटन दबाएगा यहाँ से ये उठ जाएगा और नीचे से छोटे छोटे पराल के टुकड़े आने। तो 6000 रुपए हमें आसानी से एक एकड़ में बस सकते किले में एक किले। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं नेहरा इंटरनेशनल एग्रो, यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कुबोटो का मिनी हार्वेस्टर, इसके बारे में हम आपको बताएंगे इसके सारे स्पेसिफिकेशन और ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और इसकी एक और खासियत हम आपको बताएंगे जो गीले खेतों गिरे हुए धान हो तो उन्हें काटने में ये बहुत ज्यादा सक्षम है। बाकी हमारे साथ कंपनी के ओनर जुड़े हुए हैं, इनसे हम अधिक जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार किसान साथियों, इंटरनेशनल एग्रो की तरफ से मैं अमन नेहरा सभी का स्वागत करता हूं। जी सर, जो हमारी ऑडियंस है एक बार उन्हें अपना थोड़ा इनके बारे में बताइए कंपनी के, कि आपकी जो कुबोटा की मिनी हार्वेस्टर है तो उनके लिए जो काफी अब आप देख रहे हैं जैसे कि बड़े बड़े मशीनें हैं तो उसमें और इसमें क्या चेंज है कि किसान इसकी तरफ ही क्यों आकर्षक। बिल्कुल, आप देख रहे हो मशीन में आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इन मशीन ये मॉडल है कुबोटा का ER 112 जी, आपकी ड्राई हार्वेस्टिंग मशीन जिन्हें हम आम भाषा में बोलते हैं धान के साथ साथ साबत पराल निकालने वाली। अच्छा, ये मतलब साबत आजकल के चारे की बड़ी समस्या है। बिल्कुल जी, तो वो उसको देखते हुए मशीन आज के टाइम पे वरदान है। अच्छा, हाँ जी। दूसरा एक और बड़ा समस्या है कि लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, और बहुत जगह ऐसा है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है या अदर इलाके हैं तो वहाँ ये बड़े हार्वेस्टर तो पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसमें आपने ऐसा क्या इसे डिजाइन किया जो ये पहुंच सकता है वहाँ? देखिए, ये आप देख सकते हैं जो बड़ी हार्वेस्टर आते हैं उनसे एक तो छोटा साइज इसका जी, इसका 7 फीट का कटर है जी, और बिल्कुल दोनों साइड ट्रैक पे चलती है तो ऊंचे नीचे रास्तों पे जाने के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है। और जैसा आपने बताया कि आजकल लेबर वगैरह पैसे वगैरह ज्यादा लेती है और लेबर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रही है जी, बिल्कुल, और आज के टाइम पे चारे की बहुत ज्यादा डिमांड है जी, तो उसको देखते हुए कुबोटा कंपनी की मशीन बेस्ट वरदान है किसानों के लिए। तो हम थोड़े से पहले इनकी बात कर लेते हैं, इसकी लगभग एक किले धान काटने के लिए कितने डीजल इसकी खपत होगी? इसकी डीजल की खपत होती है 6 से 9 लीटर के लिए, वो डिपेंड करता है कि आपके चलाने वाला कैसा है, अगर आपको एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत जी तो 6 लीटर 6.5 लीटर 7 लीटर में निकाल देता है, अगर कोई बंदा नया चलाने वाला ले रहा है तो 8 लीटर भी लगा देता है। अच्छा, तो इसमें लगभग क्या कॉस्ट हम इसकी मान लें और कितने रुपए आपके यहाँ, जो हम आपके यहाँ पे ये आंकड़ा ले लेते हैं कितने रुपए चल रहा है? हमारे यहाँ पे 6.5 से 7 हजार रुपए का रेट चलता है। अच्छा, 6.5 से 7 हजार रुपए, तो 6000 रुपए हमें आसानी से एक एकड़ में बस सकते हैं किले में, एक किले में आराम से। कितने टाइम लेती है काटने? 35 से 40 मिनट। अच्छा, आप इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं जी, आप इसके दायरे की मतलब कितना एरिया? 7 फीट का कटर है, फुल्ली ऑटोमेटिक, इसका कटर ऑप्शन दे रखा है, एक मैनुअल ऑप्शन है एक है ऑटोमेटिक, अगर किसान देखे कि धान कितनी ऊंचाई से काटना एडजस्ट करना चाहे वो हाथ से एडजस्ट कर सकता है, वरना इसमें ऑटोमेटिक का बटन दे रखा है, अगर बटन दबाओगे ऑटोमेटिक 4 इंच जाके ऊपर ही सेट हो जाए। तो वो इसमें कोई स्टेयरिंग की व्यवस्था या कुछ ऐसी दी नहीं गई है, तो इसे चलाने के लिए वो क्या करेंगे? जिस किसान साथी को ट्रैक्टर चलाना आता है ना वो इसको बिल्कुल आसानी से, ट्रैक्टर से बहुत आसान चलाना। अच्छा, ट्रैक्टर से आसान है, तो उसके क्या आप ट्रेनिंग के लिए कुछ सुविधा है? ट्रेनिंग हम जब किसान साथी अपने मशीन लेना आएगा, ऐसी मशीन है कि 15 मिनट में बंदा मशीन चला चाहिए। तो एक बार आप केवल थोड़ा इसका दिखाएं हमारे किसान भाइयों को। बिल्कुल, और साथ में इसके फीचर्स भी बताते रहे जो जो इसमें इस वो दिए गए हैं। सबसे पहले आता है ये, इसका राइट लेफ्ट, ये मशीन का कटर अप करण का एंड ये डाउन, और ये जो बटन दे रखे हैं जब हम गियर लगाते हैं मशीन का धान काटने उस टाइम काम करते हैं, ये मशीन का हाइड्रोलिक सिस्टम है, जैसे डाउन होगी मशीन अप होगी, ये दे रखा बीच में मशीन को एक लेवल पे करने, ये राइट लेफ्ट डाउन करने, ये मशीन की रेस है, ये ऑटोमेटिक रेस का फीचर है, ये ऑटोमेटिक मशीन जितना लोड पड़ेगा मशीन ऑटोमेटिक रेस ले लेगी उतनी, ये मशीन को आगे पीछे करने का बटन है एंड ये पीछे का,
मशीन में डिजिटल मीटर दे रखा है, अगर किसी भी टाइम मशीन में चलते हुए कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे सेंसर नंबर शो हो जाएगा और किसान साथी को पता चल जाएगा कि मशीन में क्या दिक्कत और कहाँ आ गई है। आप ये बताइए कि इसके जो काम करने का तरीका है तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप जानकारी दीजिए। अब यहाँ से सबसे पहले स्टीप से धान कटेंगे जी, धान यहाँ से कट के ये फिंगर यहाँ से धान को लेके जाएगी, पीछे वाली चैन को देगी जी। पीछे वाली चैन वहाँ से ले जाते हुए इस चैन को यहाँ पे लेके आएगी, ये पीछे वाली चैन यहाँ आएगी, पीछे वाली चैन यहाँ से यहाँ आएगा गहरा, उसकी इन फिंगर की सहायता से वो यहाँ आएगा। अच्छा, इस मशीन में ये देखा गहरा कितना अंदर करना है जी, कितना बाहर निकालना है, क्योंकि कई जगह धान छोटे होते हैं कई जगह बड़े होते हैं जी, उसके लिए दे रखा यहाँ से फिर आएगा यहाँ पे जी। यहाँ पे जो इसका ड्रम दे रखा है बिल्कुल ऐसी चढ़ाई का ड्रम दे रखा है इसका जी, सिर्फ धान धान झाड़ लेगा, पराल को पीछे भेज देगा, यहाँ से होते हुए पराल पीछे चली जाएगी। इसमें पीछे दे रखा ये SMS का ऑप्शन जी, अगर किसी किसान साथी को साबत पराल चाहिए तो साबत पराल कर सकता है, अगर आप किसी को छोटे करवानी है पराल तो बटन दबाएगा यहाँ से ये उठ जाएगा और नीचे से छोटे छोटे पराल के टुकड़े आने लगेंगे, अगर जुताई करनी है तो वो टुकड़े करके डाल, बिल्कुल जी। तो चारे की चाहिए वो भी चारे की हो जाएगी, वो भी अवेलेबल ऑप्शन, इसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, सिर्फ एक बटन दबाना किसान को कैबिन के अंदर बैठे बैठे और कोई ऑप्शन नहीं करना। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक होगी, एसी केबल होगा, फुल्ली ऑटोमेटिक एसी केबल। इसके जो अगर हम जो धान की कैपेसिटी है तो वो कितना अपने आप वो इसके धान की कैपेसिटी 25 मन। अच्छा, एक बार में 25 मन की इसकी कैपेसिटी है। बाकी जो अपने मॉडल है वो कौन सा है? कुबोटा ER 112 जो सबसे फेमस मॉडल, सबसे फेमस इंडिया में मोस्ट सेलिंग मोस्ट डिमांड इसी मॉडल की है। अच्छा, तो ये आपके पास उपलब्ध भी कभी रहता है? उपलब्ध है फिलहाल तो हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन हमारे पास ये स्पेसिफिकेशन है कि अगर किसी कस्टमर को भी अलग से कोई हो चाहिए स्पेशल मॉडल चाहिए आपका तो ले जा सकता है, अगर किसी को अलग से कोई डिमांड चाहिए मेरे को स्पेशल यही मॉडल चाहिए तो कॉन्टैक्ट करें, हम जितना हो सकता है वो मॉडल उपलब्ध कराने की कोशिश करें। अच्छा, हमारे किसान भाई को एक समस्या बड़ी ज्यादा है जो पिछले सीजन में भी देखने के लिए मिली है, ये जो इसके स्पेयर पार्ट्स का है आपने इस बार क्या ऐसा इसमें चेंज किया है? इन स्पेयर पार्ट्स की दिक्कत वो दूर हुई है, लेकिन जब हम मशीन इंपोर्ट करते हैं मशीन की सर्विस खुद कंपनी से करवाते हैं जी, ताकि किसान को आती हुई मशीन रेडी हो जाए। दूसरी बार जब मशीन आपकी सर्विस मिली है तो हम खुद सर्विस करते हैं। अब मशीन में 1% दाम की जरूरत नहीं है, मशीन पूरे 600-700 किलो आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, इसमें जो अगर कोई भविष्य में दिक्कत आएगी तो उसकी स्पेयर पार्ट का क्या रहेगा? स्पेयर पार्ट अपने पास सारा अवेलेबल है, कई किसी किसान साथी को कहीं पर दिक्कत आ जाए अगर वो फोन पे होती है तो फोन पे करा देते हैं, नहीं लोकेशन पे जाकर मशीन की सर्विस वगैरह सब हो जाती है। अच्छा, मतलब अगर कोई ऐसे सेंसर बाकी लगे हुए कुछ पता चलेगा तो वाटर दूर हो जाएगी, वो फोन से ही हो जाए तो आप वहाँ पे जाके जाके करा देंगे। अच्छा, स्पेयर पार्ट अपने गोदाम में, स्पेयर पार्ट अपने पास सारा अवेलेबल। अच्छा, इनके जो ये चेंज है कि तीनों एक ही मॉडल है? नहीं, ये 2 112 है, ये 105 से KR 100 HP में मैनुअल इंजन के साथ। इसमें क्या चेंज है? इसमें इसका इंजन जो 112 का मॉडल था उसका था CRDI इंजन फुली ऑटोमेटिक, इसका दे रखा मैनुअल इंजन 100 HP की मशीन है, ये हाफ मैनुअल हाफ ऑटोमेटिक मशीन है। अच्छा, इसमें स्पेशल फीचर ये है कि इसकी टंकी बड़ी हो जाती है, 5 मन की कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। यही टंकी बड़ी हो जाएगी? यही टंकी बड़ी हो जाएगी। करके दिखाओ यार, ये तो मुझे नहीं लगता कहाँ से बढ़ाओगे इसे। तो जैसा कि किसान भाइयों आप देख सकते हैं कि अब इसकी टंकी थोड़ा बड़ा होना स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे, तो इसमें ये एक्स्ट्रा फीचर्स है जो और मशीनों में आपको देखने के लिए नहीं मिल पाएगा। देखो ये हो गई है इसका, ये फुल साइज है, फुल साइज है। अच्छा, अब कोई किसान साथी ये लगा लो धान काटने लग रहा है और बीच रास्ते में टंकी भर गई, तो इस फीचर का यूज करके अपना किला पूरा काट सकता है। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी कर सकता है, बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। तो दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं थोड़ा ताइवान की कंपनी है तो भारत से काफी कई गुना ज्यादा आगे है, तो उसमें ये एक्स्ट्रा फीचर्स उन्होंने पहले से ही सोच के हमारे किसान भाइयों को दिए हैं। सर, बाकी जो इनमें और स्पेयर पार्ट्स हैं जो और मतलब इनके स्पेशल सोर्स फीचर है उसके बारे में आप थोड़ी और जानकारी। स्पेशल फीचर ये है किला कैसा ही किला हो, कैसे धान पड़े हो, खड़े हो, जब धान गिरा हो तो धरती का चटा हो धान निकाले बिल्कुल आपकी कटाई जैसे। अच्छा, गिरे हुए धान, गिरे हुए धान भी बड़ी आसानी से निकालेगी और मेन बात दाना नहीं टूटता इसमें। अच्छा, आपने एक और क्वालिटी बताई थी इसमें कि 360 रोटेट करते हैं, 360 रोटेट राइस का बर्मा।
हुई गई है, टीचर साहब ने इसके बता दिए हैं। तो इसमें ये दिन में मतलब कितने किले तक काट सकती है? दिन में कम से कम मान के चलो आप 15 किले निकाल देंगे अगर धान सीधे खड़े हुए धान है, अच्छे किले हैं तो बिल्कुल इकट्ठा खेत है 15 किले आसानी से निकाल देती है। बाकी अगर गिरे हुए धान है तो आपको ही पता उसमें टाइम लग जाएगा निकालने में। कुछ ड्राइवर पे भी डिपेंड करता है, आप कुछ ड्राइवर पे डिपेंड करता है, ये जो पहले पुराने चलाने वाले हैं तो बहुत अच्छे से। तो सर अब जो हमारे नजदीक के किसान भाई हैं वो तो आपको जानते हैं, परिचित आ ही सकते हैं, लेकिन हमारे जो दूर के हैं वो अगर आपके पास आना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उन्हें थोड़ा अपना एड्रेस बताइए और अपना कॉन्टेक्ट नंबर है। वो कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम है नेहरा इंटरनेशनल एग्रो, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं नेहरा इंटरनेशनल एग्रो नाम जी, गाँव कुंवर डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा जी। मोबाइल नंबर है 9306509272। तो दोस्तों सर का एक पेज है जो नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसमें इंस्टाग्राम का पेज है इनका, जो भी ये मतलब समय समय पर चेंज होता रहता है, जो भी सर्विस वगैरह होती है तो उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएंगी, जो जो इनके पास मॉडल होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे, और कोई भी जो ये चलाने का तरीका है वो सब सारी चीजें आपको उस पर मिल जाएंगी। तो एक बार जरूर आप क्लिक करें और सर के पेज पर जाएं। तो क्या बाकी जो हमने आपको मशीन के बारे में जानकारी दी, हो सकता है कि कुछ चीजें हमसे छूट भी गई होंगी, लगभग हमने कोशिश करी कि पूरी जानकारी आपको दे पाए। अगर आपका हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अधिक जानकारी के लिए आप सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।